इंदौर में पूर्वी क्षेत्र के रहवासियों ने पिपलियाना तालाब पर छठ महापर्व धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के महिला पुरुष शामिल हुए। इस आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित MIC मेंबर एवं पार्षद प्रवण मंडल भी कार्यक्रम के आयोजक द्वारा प्रसाद गुप्ता जी, समाजसेवी रमेश सिंह तोमर, राजेश कुमावत, मुकेश सुखियानी, श्याम जायसवाल आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ छठ पूजा का महापर्व चल रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि सूर्य डूबते हुए को अर्घ देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो और हमारे रोजी रोजगार में हमारे भारतवासियों को सबके मिल करके हम लोग ये चाहते हैं कि भाई सब शांति बनाए रखें, एक दूसरे हिंदुत्व के लिए काम करें, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि रहे, ये छठ मैया से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये किस प्रकार मनाया जाता है? ये एक दिन होता है लौकी भात खाते हैं, उस दिन भर उपवास करते हैं लौकी भात खा के। फिर दूसरा दिन होता है खरना, यानी गुड़ का में चावल डाल के बखीर बनती है। और तीसरा दिन ये जो आज का एक कार्यक्रम है, डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। और चौथा दिन सवेरे उगते सूर्य को गाय के दूध से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम द्वारका प्रसाद गुप्ता। इस जगह का नाम? इस जगह पिपलियाना तालाब के पास, जहां पर छठ पर्व मनाया जा रहा। हम इस पर्व के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर बारूड साहब, जो अभी विधानसभा 5 के प्रत्याशी रहे। डॉक्टर साहब बताएंगे इस आयोजन का क्या उद्देश्य, कौन कौन लोग आते हैं और किस प्रकार मनाया जाता है। सभी पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। छठ पूजा पूर्वांचल का दीपावली त्यौहार ही है। इस दिन लगातार 4 दिन तक सूर्य की पूजा होती है। भगवान सूर्य से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो समृद्ध करे, स्वस्थ करे, सभी के जीवन में प्रकाश लेके आए। पूर्वांचल का ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस अवसर पर पूर्वांचल के वासियों ने एक अच्छी समिति ने अच्छा काम किया है। 23 साल से लगातार यहाँ काम हो रहा है और धीरे धीरे व्यवस्थाएँ सुधर रही हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में पूर्वांचल के निवासी निवास करते हैं। वहाँ जाना सबके लिए मुश्किल है, वापस अपने घर जाना बिहार में, तो उन्होंने यहीं पर अपना एक घर बना लिया है। इंदौर शहर बिहार वासियों के, पूर्वांचल वासियों के लिए एक अच्छी स्थान बन गया है। उन सभी का स्वागत है। पुनः मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुभाष बारूट।